आज हम बना रहे हैं मज़ेदार दिल्ली पास्ता, हॉट एंड स्पाइसी। एशियन फूड लवर्स के लिए ख़ास डिश है ये। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं। इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में इंग्रेडिएंट कार्ड इज़ अवेलेबल फॉर यू। आइए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले पास्ता, किसी भी तरह का पास्ता का एक पैकेट लेके पानी में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के और 1 टेबलस्पून नमक डाल के इसको बॉईल कर लीजिए। जैसे ही पास्ता आपका अच्छे से बॉईल हो जाए, नरम हो जाए, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए वरना पास्ता टूटने लग जाता है। ये देखिए इसको जब ये इस कंडीशन में आ जाए कि गल भी चुका हो, आई मीन नरम हो चुका हो और टूटा भी नहीं हो, थोड़ा स्टिफ हो, इस वक्त आप इसको निकाल लीजिए। मैं तो चावल छानने वाले छाने में निकाल के इसको पहले ड्रेन कर लेती हूँ, फिर कोल्ड वाटर या आइस चिल्ड वाटर से इसको रिंस कर लेते हैं ताकि हमारा पास्ता गमी नहीं हो जाए, स्टिकी हो के आपस में चिपकने नहीं लग जाए। इसके बाद 1 टेबल स्पून ऑयल लेकर इस पर लगा कर पास्ता पे हम मिक्स कर देंगे। इस तरह अब हमारा पास्ता तो रेडी हो चुका है। तो आइए दूसरे इन्ग्रीडियंट की तरफ, चिकन और वेजिटेबल्स और सॉस तैयार कर लेते हैं। 400 ग्राम थाई पीसेस मैंने ले लिए थे जिनको अब मैं जूलियन कट स्टाइल में कटिंग कर रही हूँ। जूलियन एक स्टाइल कटिंग, एक फ्रेंच कटिंग मेथड है वेजिटेबल्स या मीट कटिंग का, जिसमें हम 1 से 1.5 इंच के बारीक लंबे टुकड़ों में किसी भी चीज़ को काटते हैं। अब जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि गोभी के तो पीसेस 1 से 1.5 इंच से काफ़ी लंबे हो रहे हैं, तो अब हम इनको दरमियान, पहले इस तरह के पीसेस स्लाइसेस करके मैं दरमियान में एक कट लगाऊंगी, जिससे हमारे 1 से 1.5 इंच के पीसेस बन जाते हैं। हरी प्याज या स्प्रिंग अनियन को भी हम जूलियन कट स्टाइल से इसकी कटिंग करके इसके 1 से 1.5 इंच के टुकड़े बना लेंगे। अच्छा, ये कि सब्ज़ी को किस स्टाइल से काटना है ये आपके अपनी मर्ज़ी पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मेरा पास्ता जो था वो लॉन्गिट्यूडनल था, लंबे लंबे पास्ता के पीसेस थे, तो मैंने अपनी सब्ज़ी को भी इसी तरह से जूलियन कट काट लिया। अगर आपने छोटा पास्ता ले रहे हैं साइज़ का या मैक्रोनी टाइप की चीज़ ले रहे हैं तो आप उसके लिए चकोर चकोर सब्ज़ी भी काट सकते हैं। छोटी सब्ज़ी अगर आप, बच्चे जैसे पसंद नहीं करते बड़े पीसेस वेजिटेबल्स के मुँह में आते हुए, तो आप उसको छोटे पीसेस, स्क्वायर पीसेस, जिस तरह से भी कटिंग करना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस ये कि आँखों को देखने में अच्छी लगे। शिमला मिर्च और गाजर भी हम इसी स्टाइल से काट लेंगे। सब्जियाँ काटने के बाद हम पतीली में 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, 6 से 8 कड़ी पत्ते डालेंगे और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी, मज़ीद स्पाइसी करना चाहें तो 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च मज़ीद डाल सकते हैं। इसके बाद 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने छील लिया था और सीडलेस कर लिया था। मैं टमाटर को आमतौर पर छील के और सीडलेस करके उसको फ्रीज़ कर देती हूँ, तो ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। फिर हमने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था। टमाटर को हम थोड़ी देर गलाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने फ्राई करके चुके रखा हुआ था। मेरा तरीका ये है कि मैं लहसुन अदरक को पहले फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद फिर उसको पीस के रख लेती हूँ, तो वो भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, टमाटर हमारे गल चुके हैं, मसाला भुनने पे आ चुका है। इस स्टेज पर हम 1 टेबलस्पून इसमें पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे, मसाला पहले ही भुन चुका है, थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस ऐड करके ज़रा सा और इसको भुनेंगे और फिर उसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन स्ट्रिप्स को थोड़ा सा तेज़ आँच पर फ्राई करेंगे, साथ ही नमक और हल्दी ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन चूँकि बोनलेस है और बारीक है, स्ट्रिप्स में कटी हुई है, बारीक टुकड़ों में कटी हुई है, तो बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। जैसे चिकन फ्राई होने लगे, तेल बाहर आने लगे, इस स्टेज पर आपने वेजिटेबल्स ऐड करनी है। सब्जियों को क्रंची रखने के लिए हाँ ज़रूरी है कि हम इसको बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें। सब्जियों को थोड़ा सी देर फ्राई करेंगे। जितनी देर में सब्ज़ी फ्राई हो रही है इतनी ही देर में हम इसका सॉस तैयार कर लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। एक बोल में 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर और 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करके सॉस बना लीजिए। फ्राई होती हुई सब्जियों में ये सॉस ऐड कर दीजिए।
एक से डेढ़ मिनट इसको पकाइए और फिर पास्ता ऐड कर दीजिए। वेजिटेबल्स और पास्ता को मिक्स कर लीजिए। जैसे ही ये मिक्स हो जाता है, अब इस स्टेज पर एक टेबलस्पून बटर ऐड कर दीजिए। लिड कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको पकाइए और हमारा पास्ता तैयार है। स्प्रिंग अनियन, ब्लैक पेपर और ग्रीन चिलीज़ के साथ इसकी गार्निशिंग कीजिए। मैं यहाँ ब्लैक पेपर और ग्रीन चिलीज़ का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों ने खाना खाना है और वो थोड़ा लेस स्पाइसी फूड पसंद करते हैं। तो जनाब, हमारा पास्ता तैयार है और ये है दिल्ली हॉट एंड स्पाइसी पास्ता। If you like the video, then please like, share and subscribe. Thank you.